सुप्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपने भी सुना होगा कि जिस तरह से जेनिफर ने और फिर मोनिका ने जो आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए हैं, उस पर आपका क्या कहना है सबसे पहले? ओके, टू बिगिन विद, मोनिका और मैं बहुत अच्छे दोस्त नहीं है कि शायद कभी, एक्चुअली हम दोनों के सीन्स ही कभी एक्सेप्ट साथ में नहीं हुए, मिलना बहुत कम हुआ है, तो हम लोग उतने अच्छे दोस्त नहीं है कि शायद मोनिका ने जो गो थ्रू किया वो मुझसे शेयर किया होता, पर जेनी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उसने काफी कुछ शेयर किया है। आई नो कि सेट पे ये कई बार हुआ है, होता है बहुत लोगों के साथ कि ऑफ के लिए बोला जाता है लेकिन सीधा मना कर दिया जाता है कि छुट्टी नहीं मिलेगी, मतलब 80-90% वो कंसिडर भी नहीं किया जाता, मतलब ये पता भी नहीं होता कि उस दिन शूट होगा कि नहीं, पर सीधा ही ना बोल दिया जाता। बाहर काम करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं सबको, टचवुड, मेरा केस थोड़ा अलग था, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उन्होंने मुझे बताया हुआ था कि मेरे कैरेक्टर के 8-10 दिन ही लगने वाले हैं, तो कभी भी मेरे साथ ये एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। लेकिन हाँ, इन रूमर्स की वजह से मुझे बाहर काम मिलने में बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि लोग एज्यूम करने लगे थे कि मैं तारक में हूँ तो सबकी तरह मैं भी एक्सक्लूसिव होंगी, तो सामने से मुझे कभी कॉल नहीं आते थे, मुझे यूजुअली लोगों को बोलना पड़ता था कि मैं एक्सक्लूसिव नहीं हूँ और मुझे काम करना है जी। इसके अलावा ऐसी बातें भी आई थी कि आपकी जब शादी हुई मालो के साथ, उसके बाद आपके साथ जो उनका जो रवैया था वो उतना अच्छा नहीं था, और काफी चीज़... नहीं, पर्सनली बहुत अच्छे थे। मैं देखिए, जो चीज नहीं हुई मैं वो कभी नहीं बोलूंगी। पर्सनली आसिद भाई बहुत अच्छे थे, हमारी शादी पर भी आए, हमारा बच्चा होने पर भी आए हैं, ही हैज ऑलवेज बीन देयर, तो मैं वो चीज नहीं बोल सकती कि वो नहीं थे। पर प्रोफेशनली मुझे बहुत फर्क पड़ा है। आई डोंट नो क्यों, क्या माइंडसेट था वो जाने, शायद उन्हें ऐसा लगता होगा कि हस्बैंड वाइफ साथ में सेट पर होंगे तो शायद मालव के काम के कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, वो reasons best known by him and the production house कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन definitely मेरा track काफी कम हो गया। उसके बाद भी सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन post covid अरदास के बाद, of course पहले तो मैं break पे थी, लेकिन post covid भी कोई track नहीं आया। मैंने कई बार पूछा, कई बार follow up किया कि क्या चल रहा है। अफकोर्स मैंने कभी मालव से नहीं कहा कि तुम पता करो, क्योंकि वो उसका काम नहीं था, मैं शो में मालव की वजह से नहीं थी जी। मैं शो में पहले से हूँ और शो करते हुए मालव बीच में आए शो में और फिर हम मिले और हमारा रिलेशनशिप हुआ एंड देन वी गॉट मैरिड, सो इट इज नॉट मालव ड्यूटी टू आस्क हिम और एनी बडी इन द शो, सो इट वॉज माई ड्यूटी एज एन आर्टिस्ट एंड आई वॉज ओनली फॉलोइंग अप फॉर द सेम। पर अनफॉर्चुनेटली कभी मुझे कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिला, कभी प्यार प्यार में उन्होंने ऐसे बोल दिया कि तू क्यों टेंशन ले रही है, तू करना, तू रह प्रिंसेस के जैसे, मतलब वो तो कमा रहा है ना। हाँ, या मतलब आपके हस्बैंड कमा रहे तो आपको कमाने की क्या जरूरत है, ऐसे भी जी। अब उस माइंड सेट में क्या बोल सकते हैं, ऐसा बहुत बार हुआ, मैंने कई बार बोला। लास्ट एक उनका मेरा फोन कॉल था कुछ महीनों पहले, जब मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, उनका मुझे कॉल बैक आया, उन्होंने बोला हाँ बोलो, मैंने बोला कि मुझे रीटा के कैरेक्टर के बारे में बात करनी है, एंड सडनली ही सेड बाद में बात करते हैं, एंड आई फेल्ट वेरी बैड के, और उसके बाद कभी उनका दोबारा फोन नहीं आया, तो आई डिसाइडेड कि अब मैं कॉल नहीं करूँगी, अगर मुझे कभी मैक्सिमम लगा तो देखेंगे क्या करना है। फिर बहुत दिनों तक नहीं बुलाया, फिर मालव के शो छोड़ने के बाद तो ऑलमोस्ट 6-8 महीने होने आए अब, तो तब से तो बुलाया नहीं है मुझे, जब से इनफैक्ट मालव ने नोटिस दिया है शायद उसके बाद से मुझे कभी नहीं बुलाया जी। आपसे ही जाना चाहेंगे, चूंकि आप उस शो में एक पत्रकार का किरदार, रिपोर्टर की किरदार निभा रही थी, आपको क्या लगता है कि सच में जेनिफर के साथ जो हुआ, ऐसे इंसान है? आपने कभी ये महसूस किया कि जेनिफर किसी को अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर सकती है? आपने नहीं, कभी मैं जेनी को, जेनी और मैं 14 साल से दोस्त भी हैं, हम सिर्फ को एक्टर्स नहीं है, जेनी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही, और यही बात मैंने सबको बोली है कि कोविड के वजह से मैं क्लिनिकल डिप्रेशन में गई थी, और उस समय जेनी वॉज वन ऑफ दोज पीपल हु वॉज देयर विद मी, मुझे रेकी के लिए बताना, जो रेकी हीलिंग होती है, मेडिटेशन के बारे में बताना, हेल्पिंग मी आउट, लिसनिंग मी आउट एट टाइम्स, तो मुझे पता है जेनिफर का वो अलग साइड, जो उसकी स्पिरिचुअलिटी वाला साइड है, जो बहुत कम लोगों को पता है जी। तो मैं जानती हूँ कि अब आप मुझे बताइए, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं फिर वो गाली गलौज करना और ये सब तो नहीं कर सकते ना। नहीं, नहीं।
और वो ऐसी नहीं थी, वो जेन्युइनली ऐसी नहीं थी. शी इज अ वेरी फन लविंग पर्सन. वो सबसे बहुत हंस के बात करती थी. एज आई सेड कि फ्रॉम आवर कैमरा मैन टू स्पॉट दादा टू यू नो टू डायरेक्शन डिपार्टमेंट टू मेकअप डिपार्टमेंट, सबके साथ वो अच्छे से बात करती थी. मैंने कभी उसे आज तक किसी पर चिल्लाते हुए नहीं देखा. हम काम करते हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा तो हम घर पे भी कर लेते हैं ना, अपने माँ बाप को भी कर लेते हैं, भाई बहन को भी कर लेते हैं, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो. तो 14 साल आप काम करेंगे तो ऐसा नहीं हुआ होगा ना कि वो दो बार चार बार भी किसी पे नहीं चिल्लाई होगी. हम काम करते हैं, इतना कुछ होता है, इतना कुछ हेक्टिक होता है. हम अपने घर में किसी भी हालात में आए, तबियत खराब हो, बच्चे की तबियत खराब हो, हस्बैंड की तबियत खराब हो, कुछ भी हो, हम लोगों को रिपोर्ट करना है तो करना है. और वो सिर्फ सारा की बात नहीं है, हर सेट पर ये होता है. हम डेली सोप कर रहे हैं, हमें पता है कि यही हमारी जिंदगी है. लेकिन ऐसे में कभी कभी होता है कि इंसान जल्दी लूज आउट कर जाता है. तो कभी हुआ होगा सेट पर कि उसने जल्दी लूज आउट कर दिया होगा, बट दैट डज नॉट मीन शी वाज अब्यूजिव ऑन सेट एवर. मैंने आज तक उसके मुंह से आज तक कोई गाली नहीं सुनी है. और मंदार के बारे में, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, और हमने भी कुछ आर्टिस्ट से बात करने की कोशिश की और उन्होंने हमें साफ साफ ये बोला कि टीम ने हमें मना किया है मीडिया से बात करने से. तो ये कितना सही है आपके हिसाब से? करते हैं मना, मुझे नहीं किया है क्योंकि वो पता नहीं, मुझे तो शायद शो का हिस्सा ही नहीं मानते. मुझे इनडायरेक्टली मैसेज पहुंचाया गया था कि प्रिया को बोलना कि कुछ ना बोले. पहले मेरे दिमाग में इतना नहीं था कि मैं ना बोलूं, पर ये मैसेज के बाद डेफिनेटली आई डिसाइडेड कि मैं बोलूं. इतना लंबा सफर हमने भी स्टार्ट से उस शो पर कवर किया है, वहां पे जाके लोगों से मिला, एक अच्छी ऐसी सोसाइटी जो लोगों को समाज में मैसेज दे रही थी, और अब इस तरह की खबरें जब आती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले शो में ट्रस्ट मी सब कुछ बहुत अच्छा था, लास्ट 4-5 साल से क्या खराब हो गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा. स्पेशली कोविड के टाइम पे शायद सबका काम करना लोगों की मजबूरी मान लिया है, इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग. मुझे पता नहीं है रियल रीजन, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि कभी कभी होता है ना कि लोग इतने कोविड के बावजूद भी दमन जाकर रहकर आए, 2 महीने अपने परिवार से दूर, यू नो, जो सब लोगों ने शूट किया, पूरी टीम ने कर लिया, शायद उससे इनसिक्योरिटी मान लिया गया. मतलब जो लोगों का डेडिकेशन था उसको शायद इनसिक्योरिटी मान लिया गया और उसकी वजह से और दबाया जाने लगा, इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग. क्योंकि अब सब लोग बोल रहे हैं, अपनी आवाज रख रहे हैं, अभी आपको वापस कोई कॉल आया कि आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मेरे लिए तो, मैं बोल रही हूँ आपको, मेरे लिए तो मुझे पता ही नहीं, वो लोग मुझे जेन्युइनली शो का हिस्सा मानते भी हैं. तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि आप अभी तक शो में हैं या नहीं, अभी तक ये भी क्लियर नहीं. डेफिनेटली इंटरव्यू के बाद भी नहीं हूँ. इंटरव्यू के बाद तो मैं डेफिनेटली नहीं हूँ. जिस शो में थी तब उन्होंने कभी ठीक से हिस्सा नहीं माना, कभी शो के प्रमोशन में नहीं लेके गए. कितनी बार पहले तो मैं बोलती थी कि प्लीज ले जाओ, मुझे ही क्यों छोड़ के जा रहे हो, यू नो, बाकी सब एक्टर्स जा रहे हैं. बुरा लगता है एज एन आर्टिस्ट जब आप नहीं जाते हो. उसमें क्या होता है ना, ग्रेजुअली पूरी टीम का आपके लिए लुकआउट वैसा होने लगता है. तो वो यू नो, कभी कभी ऐसे छोटा फील होने लगता था कि यार मैं भी तो शो का हिस्सा हूँ, आप मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हो. कई बार बोला, फिर ग्रेजुअली आके मैंने बोलना भी छोड़ दिया. क्योंकि क्या होता है ना, हम किसी को अपना गुस्सा व्यक्त करें, अपनी फीलिंग्स बताएं और उसे कंसिडर भी ना किया जाए और हर बार ना किया जाए, तो आपको लगता है कि यार बोलना ही व्यर्थ है, जाने दीजिए. आपने अपमानित महसूस करना टाइम. हाँ, तो मैंने खुद का अपमान नहीं कराने के लिए बोलना छोड़ दिया. इसके अलावा यू नो, आपके हस्बैंड ने कभी आपको कुछ बात बताया, कोई इंसिडेंस या कोई ऐसा वाक्य बताया कि जो कि उनको भी अच्छा नहीं लगा हो? आई एम श्योर कि उन्होंने इतना लंबा काम किया. बहुत सारी बातें थी, डेफिनेटली बहुत सारी बातें थी, लेकिन मालव के बिहाफ पे ना, आई एम सॉरी, पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि मालव एक अलग इंडिविजुअल है. वो शो के डायरेक्टर रहे हैं, मैं एक्टर रही हूँ, मैंने एक अलग साइड देखी है. उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की, छोड़ दो या कुछ ऐसा करो, ऐसा कुछ समझाया? ऑनेस्टली मालव को मैंने बहुत इंसिस्ट किया था कि तारक छोड़ दो. क्योंकि वो इतना परेशान हो रहे थे कुछ कुछ चीजों को लेके, तो वो जितने पीसफुल और शांत इंसान है, वो चिड़चिड़े होने लगे थे धीरे धीरे, सब संभालते सेट पर चीजें करते. और हम अमेज, अभी भी कुछ लोग पीछे से बातें कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि तारक में अब हमारे दोस्त नहीं बचे और हमको बातें नहीं पता चलती हैं. अब लोग ये बातें कर रहे हैं कि मालव ने शो छोड़ दिया. तो मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था, विकी जी हैं उनसे बात करते हुए, कि सचिन ने अगर क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे. या जो उन्होंने सेंचुरीज मारी आप उनके बारे में बोलेंगे नहीं.
आप उनके बारे में भी बात करेंगे ना. यू कैन नॉट जस्ट टॉक अबाउट विराट कोहली और रोहित शर्मा राइट नाउ बिकॉज दे आर प्लेइंग. तो ऑफकोर्स मालव ने कभी सामने जाके मीडिया को नहीं बोला कि सुनो मेरी बात सुनो. मालव को शो छोड़े हुए कब से कितना टाइम हो गया. अगर उसे कुछ बोलना होता वो तब से बोल चुका होता. उसने हमेशा वो रिस्पेक्ट रखा है आसिफ भाई के लिए और शो के लिए भी. और आज तक मालव के एक भी इंटरव्यू में उसने कभी किसी के अगेंस्ट नहीं बोला है. उसने सिर्फ जेनिफर को सपोर्ट किया है. थैंक यू सो मच. थैंक्स सो मच भैया हमसे बात करने. थैंक्स लॉट. हम आगे भी आपसे बात करेंगे. थैंक यू हरीश जी. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर कॉलिंग.